रेस्टोरेंट्स, बार्स, हॉस्पिटल्स, कुक, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपनी रोजाना की लाइफ में कई बार सुनते हैं। सोचिए, जब जरूरत इतनी है तो डिमांड कितनी होगी। जी हाँ, करियर मंत्रा में मैं सुनीता राय आज आपको बताऊंगी होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में और जानेंगे इसकी सारी डिटेलिंग। लगातार बढ़ रहे पर्यटन और व्यापार के साथ होटल मैनेजमेंट एक उभरता हुआ क्षेत्र है। होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की पसंद इसलिए है क्योंकि ये समय की डिमांड भी है। आकर्षक व्यक्तित्व, इंग्लिश और दूसरी भाषाओं पर ठीक ठाक पकड़ हो तो रास्ता और भी आसान है। आत्मविश्वास और काम को जल्द से जल्द निपटाने की चाहत जैसे व्यक्तिगत गुण होटल मैनेजमेंट में आपका करियर निखारने में मददगार है। 12th के बाद होटल मैनेजमेंट में 3 साल के डिग्री जैसे कोर्स किए जा सकते हैं। वहीं 1 साल के डिप्लोमा की डिग्री का ऑप्शन भी आपके पास है। होटल मैनेजमेंट के डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए 60% मार्क्स होना जरूरी है। इसके बाद एक रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन प्रोसेस वेरी करता है। इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीके से परखा भी जाता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो रही ग्रोथ को देखते हुए इस बात की कोई लिमिटेशन नहीं कि कोई कितना तक अर्न कर सकता है, लेकिन कम से कम 15,000 रुपए हर महीने से शुरुआत तो हो ही जाती। कुल मिला जुलाकर होटल मैनेजमेंट एक ऐसा करियर विकल्प है जो लाखों स्टूडेंट्स की पसंद है और एक बेहतर प्लेटफॉर्म की तरह उभरा भी है। मेरे साथ मौजूद हैं IHMCS के डायरेक्टर मिस्टर रविपुरी। हेलो सर। हेलो। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि होटल मैनेजमेंट ये कोर्स आखिर है क्या? होटल मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा सेक्टर है जो कि हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है आफ्टर रेलवेज, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो। अदरवाइज दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है जिसमें कि हर तरह का व्यक्ति अपने व्यक्तित्व निभा सकता है। अगर देखे हम इन टर्म्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, अपने आप में ये बताता है कि होटल को मैनेज करने वाले पढ़ाई। लेकिन सिर्फ ये उतना ही तक सीमित नहीं है। आज होटल मैनेजमेंट जो है होटल के अलावा बहुत सारे फील्ड्स में निकल चुका है बच्चा, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई है। सर्विस सेक्टर आप बोले तो BPO हो गए, MNCs हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, टूरिज्म हो गया, ट्रेवल एजेंट्स हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर्स, एजुकेशन के होटल्स के हो गए हैं, रिटेल्स हो गए हैं, टेलीकॉम सेक्टर। तो ये तमाम सेक्टर हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं जिसमें कि स्टूडेंट आकर के अपना व्यक्तित्व निखारता है। पर्सनैलिटी बेस्ड कोर्स है पूरा, और वही एक मेजर फैक्टर है जो उसकी एक लाइफ साइंस में बोलूंगा होटल मैनेजमेंट है। हाई एजुकेशन कर सकता है, MBA, MSc और PhD करके एजुकेशन सेक्टर को भी ज्वाइन कर सकता है और रिसर्च में भी जा सकता है। और यही एक सेक्टर है। अगर बात करें इसके एडमिशन प्रोसेस की, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग एडमिशन प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन एक स्टूडेंट की होनी चाहिए? 12th के बाद वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। वो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है। जो मेजर कोर सब्जेक्ट्स हैं 4 होते हैं इसके अंदर। 1 इज फ्रंट ऑफिस, 2nd इज फूड एंड बेवरेज सर्विस, 3rd इज फूड प्रोडक्शन एंड 4th इज अकोमोडेशन ऑपरेशन। ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम लोग बच्चे को तैयार करते हैं। ट्रेनिंग जो उसको सिखाती है वो उसके अंदर उसका अनुशासन पैदा करती है, उसको अनुशासित करती है, डिसिप्लिन सिखाती है। डिसिप्लिन के अलावा उसमें जो ऑब्जर्वेशन वहाँ सीखता है वो टोटल मैनेजमेंट ट्रेनी बन के रहता है। मैनेजमेंट ट्रेनी के दौरान वो तमाम जो होटल के फंक्शंस हैं, इन्वेंट्रीज हैं, परचेजिंग है, गेस्ट हैंडलिंग है, सिचुएशन हैंडलिंग है, वो सभी तरह को तैयारी अपने वहाँ कर सकते हैं। सो मच सर। फूड प्रोडक्शन होटल मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसकी फैकल्टी मिस्टर गौरव शर्मा है मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो गौरव। हाय। अगर फूड प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, ये है क्या? बेसिकली हम लोग होटल्स जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे सर्विस लेते हैं, तो बेसिकली वो जो हमको खाना प्रिपेयर करके देते हैं वो बेसिक प्रोडक्ट है जो हमारा फूड प्रोडक्शन हम लोग सिखाते हैं। बेसिकली हम लोग बात करें तो कुकिंग एक ऐसा फील्ड है जो थ्योरेटिकली हम किसी को नहीं सिखा सकते। किसी को अगर हम लोग रेसिपीज भी प्रोवाइड करा दें, नोटबुक पे लिख के दे दें, तो उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम लोग प्रैक्टिकल बेसिस पर, 1-on-1 बेसिस पे सिखाते हैं। जो भी डिशेज है स्टूडेंट्स के हाथ से बनवाई जाती है, फिर उसको वो आगे जाके धीरे धीरे डेवलप करता है। इस तरह से स्टूडेंट्स के हाथ में धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होता है। उसको सारी बेसिक नॉलेज मसालों की और किस तरह से कौन सा इंग्रेडिएंट्स कहाँ जाता है, किस चीज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सारा है। हम लोग फूड प्रोडक्शन को एक तरह से साइंस भी बोलते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन से, वी वॉन्ट टू कॉन्टिनेंटल जाते हैं, इटालियन जाते हैं, चाइनीज जाते हैं, ओरिएंटल जाते हैं। तो जितना भी वर्ल्ड में फूड हमको बताया होता है, सिखाया जाता है, उन सबका प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस्ड हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे नॉलेज देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गौरव इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। ऑल माई फ्रेंड्स, थैंक यू।
और चलिए अब जानते हैं होटल मैनेजमेंट के नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी कि फ्रंट ऑफिस के बारे में। और इसकी फैकल्टी मिस्टर माजिद खान है हमारे साथ। हेलो माजिद। हाय। फ्रंट ऑफिस ये सब्जेक्ट क्या है? फ्रंट ऑफिस बेसिकली कहा जाता है कि होटल का दिल होता है। सो जब गेस्ट फर्स्ट टाइम पे एक होटल में चेक इन के लिए आता है, सो फर्स्ट थिंग उसका जो इंटरेक्शन होता है एक फ्रंट ऑफिस एसोसिएट से होता है। फर्स्ट है रिसेप्शन, जो मेन एरिया कहा जाता है, जहाँ गेस्ट सबसे पहले इंटरेक्शन करता है। और उसके बाद हम मूव करते हैं गेस्ट रिलेशंस, जो एक पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कराती है वीवीआईपीज को। एक कॉन्सियर्ज होता है जो एक लोकल गाइड की तरह काम करता है कोई भी होटल में। और एक बेल डेस्क होता है, जब भी गेस्ट एक रूम एक होटल में एंटर करता है तो वो सबसे पहले उसका लगेज बेल डेस्क पिक करता है। तो ये चार डिपार्टमेंट है जो फ्रंट ऑफिस को स्मूथ रनिंग एक्शन में लेकर आते हैं। हम उनको पहले ब्रीफ करते हैं कि ऐसे करके यू कैन वर्क, देन व्हाट वी डू कि उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए वी डू मॉक चेक इन। सो इसमें हम एक स्टूडेंट को ऐसे गेस्ट अपॉइंट करते हैं, वो एक बैग के साथ चेक इन के साथ आता है। देन उसको एक बंदा बेल डेस्क पे, जैसे मैंने कहा था, बेल डेस्क वाला उसको एस्कॉर्ट करेगा रिसेप्शन तक। उसके बाद उसका चेक इन होगा, उसको रूम दिया जाएगा। इस तरीके से हम मॉक चेक इन करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को ट्रेन करना या उनको सिखाना कितना चैलेंजिंग हो जाता है? आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस कहता है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल एरिया है। ये ब्रेक और मेक का एरिया होता है। सो यहाँ तो इंप्रेशन या तो बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। सो जो कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, वो यहाँ प्रूव होती है। सो इट्स चैलेंजिंग फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ रॉ प्रोडक्ट टू अ फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि फ्रंट ऑफिस टोटली लाइव एक्शन में रहता है। टोटल वीवीआईपी से या लीडर्स या सेलिब्रिटीज से डील करता है। सो उनसे डील करने के लिए आपकी नॉलेज, आपका प्रेजेंटेशन, आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड टॉप पे होना चाहिए। ओके, थैंक सो मच माजिद इन सारी बातों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर माइंड। थैंक यू। तो आपने जाना फ्रंट ऑफिस के बारे में। अब हम लास्ट सब्जेक्ट होटल मैनेजमेंट की यानी कि अकोमोडेशन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे अकोमोडेशन एज अ सब्जेक्ट आखिर है क्या। और चलिए अब जानते हैं अकोमोडेशन के बारे में। इसकी फैकल्टी मिस अर्चा मिश्रा मेरे साथ हैं। हेलो अर्चा। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। अकोमोडेशन, इसे कैसे हम ब्रीफ करेंगे? अकोमोडेशन ऑपरेशन बेसिकली इज अ हाउसकीपिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी, जिसके अंदर हम बच्चों को बेसिकली सिखाते हैं कि जो बेड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, उसकी लिनन कैसी होती है, किस टाइप के जो हम यूज करते हैं कैसा होता है। डिफरेंट डिफरेंट होटल्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें यूज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है बेसिकली होटल्स टू होटल्स। जैसे हम बेसिकली हमारे जो वीक्स होते हैं उसके अंदर हम दो, जैसे मंडे एंड ट्यूजडे इज फॉर किचन, ट्यूजडे वेनेसडे एंड थर्सडे इज फॉर हाउसकीपिंग, एंड देन मेन डे इज फॉर F&B एंड अदर फ्रंट ऑफिस। तो ऐसे करके हम उसमें प्रैक्टिकल भी रखते हैं हाफ डे हम थ्योरी भी रखते हैं। दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ होटल लाइफ, बिकॉज गेस्ट आते हैं, हमें उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है, तो हाउसकीपिंग इज द मेन जो प्रोवाइड करता है सारी फैसिलिटीज। थैंक यू अर्चा इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो हमने सारे सब्जेक्ट्स को जाना कि आखिर एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स पढ़ता क्या है, कैसे पढ़ता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स से ही और जानेंगे उनके एक्सपीरियंसेस। क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के भारत के प्रस्ताव का 46 मुस्लिम बहुल देशों ने समर्थन किया, जिसमें ईरान, कतर और UAE भी शामिल है। हमारे लिए हर केस एक चुनौती है, सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई बुद्धि। शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है, सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, और परत दर परत तफ्तीश हर राज को मिलती है। देखिए क्राइम रिपोर्ट रात 10:30 सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। फील द पावर ऑफ इंजीनियरिंग एंड IT, फील द पावर ऑफ ह्यूमैनिटीज, फील द पावर ऑफ साइंस, फील द पावर ऑफ सर्विस, फील द पावर ऑफ जर्नलिज्म, फील द पावर ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, फील द पावर ऑफ इमेजिनेशन, फील द पावर ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यस वेयर यू कैन ट्रस्ट। MBH, MBH. नहीं है असली इंडिया। फील द पावर ऑफ इंजीनियरिंग एंड IT,
Feel the power of humanities. Feel the power of science. Feel the power of service. Feel the power of journalism. Feel the power of training and placement. Feel the power of imagination. Feel the power of commerce and management. We are in the world of colleges. Yes, where you can trust. मुझे प्यार नहीं करते ना? क्यों? क्रेमिका कुकीज किचन में मिले तो ये टेस्टी तो है, मतलब बहुत बहुत टेस्टी है, लेकिन मैं इसे स्कॉलर कैसे बनूंगा? पढ़ाई करके। क्रेमिका बिस्किट्स, दावा सिर्फ एक, कमाल का टेस्ट। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉलकर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉलकर पुट्टी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Savsol, world class lubricants from Savika. Feel the power of engineering and IT. Feel the power of humanities. Feel the power of science. Feel the power of service. Feel the power of journalism. Feel the power of training and placement. Feel the power of imagination. Feel the power of commerce and management. We are in the world of colleges. Yes, where you can trust. हर खुशी मनाएंगे संग संग, धूप या छांव हर मौसम रहेंगे संग संग। सिर्फ आपके लिए बनी शानदार फीचर्स के साथ नई TVS Vigo, क्योंकि ना मेरा ना तुम्हारा, ये वक्त हमारा है। रोल साउंड 134A1x1 एक्शन। रेगिस्तान, भव्य राजमहल, मजबूत किले और लोक संगीत के रंग एक नए अंदाज में देखिए शान राजस्थान। शनिवार रात 9:30 सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होता है गंभीर मुद्दों पर मंथन, अगर आपके ग्रुप का है सामाजिक समस्याओं से सरोकार, तो बनाइए जी राजस्थान न्यूज को अपनी आवाज, जोड़िए जी राजस्थान न्यूज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। हम देंगे आपके ग्रुप के मुद्दों को चर्चा के लिए बड़ा मंच। व्हाट्स ऑन व्हाट्सएप सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं, तो हम LPG सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार LPG सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाए। हमारी तरह आप भी LPG सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बने। समाचार तो सब देवे है, मैं खबर देंगा अपनी भाषा में। उठाया जाएगा लोगारा मुद्दा, पूछिया जाएगा आपका सवाल, सुबह सु शाम तेरा पूरा समाचार, आपने राजस्थान रो पूरो हाल, अपनी भाषा अपनी खबर। रोज दोपहर 12:00 और शाम 6:30
बैंग बैंग सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। कैसा रहेगा आपका दिन, ग्रहों की क्या है दशाएं, आपकी हर शंका का निदान ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी बताएंगे समाधान। किस्मत की लकीर। प्रायोजक हैं अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। मैं सुनीता राय हाजिर हूं और अब आपके लिए लाई हूं कुछ खास टिप्स। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी, जो आज आपको बताएंगे इंजीनियरिंग के बारे में। जी हां, इंजीनियरिंग इंडिया का सबसे हॉट फ्यूचर ऑप्शन। लेकिन क्या आपको पता है कि इंजीनियर बनने के लिए भी कुछ खास क्वालिटीज होनी चाहिए? हर 10 में से 8 स्टूडेंट तो चाहता है कि वो इंजीनियर बन जाए, लेकिन ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक इंजीनियर के अंदर होनी चाहिए और इंजीनियरिंग में ही कितने अलग अलग ऑप्शंस मौजूद हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आज हम अपने काउंसलिंग एक्सपर्ट से लेंगे। वेलकम सर। वेलकम मैम। सर, आज हम इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट हर पेरेंट ये चाहता है, बचपन में एक बार तो सोचता ही है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इंजीनियर बने। लेकिन क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए एक इंजीनियर में? देखिए सुनीता जी, मेरे सबसे काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा आपने। इस समय बच्चे IIT JEE के एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने मेंस दिया है और अब एडवांस स्टेज पे भी एग्जाम दे रहे हैं। और ज्यादातर लोग मुझे लगता है कि इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक इंजीनियरिंग जो है एक बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। पर मुझे लगता है इंजीनियर बनने के लिए कुछ बेसिक एप्टीट्यूड चाहिए, कुछ बेसिक क्वालिटीज चाहिए जो कि इंसान के अंदर होनी चाहिए। उन क्वालिटीज की जब हम चर्चा करें तो मुझे लगता है सबसे पहला तो एक पर्सन को रिसर्चर होना चाहिए, उसे इनोवेटिव अप्रोच होनी चाहिए, उसे कुछ नया करने में मजा आना चाहिए। और मुझे लगता है ये सब चीजें पेरेंट्स बचपन से ही देख सकते हैं। सो मैं वापस एक बार बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग में भी आप एक्सीलेंस पे जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पैशन के साथ उस कोर्स की तरफ आगे बढ़े, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने एप्टीट्यूड को चेक करिए। आप में इनोवेटिव है, आप में रिसर्च करने का मादा है, क्या आपको नया करने में मजा आता है, क्या आपने बचपन में कुछ इस तरह की हैबिट थी जिसमें आप कुछ इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम को समझते थे और उसके तह तक जाते थे और उसे सॉल्व करते थे? अगर इस तरह एक मशीन को डेप्थ तक समझने की ललक अगर आप में है तो इंजीनियर बनने की सबसे पहली क्वालिटी यही है। चलिए, जब इंजीनियरिंग की बात आती है, क्योंकि ढेरों ऑप्शंस हैं, कई सारे ब्रांचेस हैं अलग अलग इंजीनियरिंग में भी, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, माइनिंग हो, सिविल हो, कई सारे ऑप्शंस हैं। कुछ हॉट मोस्ट ऑप्शंस की बात करें जो आप बताना चाहें, कुछ ब्रांचेस? हाँ, पर हर ब्रांच में मैं फिर वो वापस कहूंगा कि उन लोगों को हमेशा सक्सेस मिली है जो पैशन के साथ जुड़े हो, चाहे उन्होंने बीटेक किया या ना किया हो। मुझे नहीं लगता स्टीव जॉब्स ने कभी बीटेक किया था, उन्होंने कॉलेज भी जॉब नहीं किया था, और इसी तरह से बिल गेट्स भी थे जो पैशनेट थे। लेकिन इन लोगों में कॉमन बात थी जो मैं कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, जो अपनी करियर बनाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, तो उनको बताना चाहूंगा अगर आप में लॉजिकल थिंकिंग है तो आप बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आपके पास वाई है और आप लॉजिकल सोच सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो मैं उन सब लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो कंप्यूटर्स को अपना इंटरेस्ट समझते हैं, कंप्यूटर साइंस में जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को असेस करें, अपने आप को पहचाने और इस बात को असेस करें कि उनका क्रिएटिव माइंड है या लॉजिकल माइंड है। अगर लॉजिकल माइंड है, उनके पास हर चीज के बहुत अच्छे लॉजिक्स होते हैं, वो उस डेप तक जाते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी ब्रांच हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, 3-4 और ब्रांचेस की हम बात यहाँ पर कर ले, लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसे प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा भी कुछ और ब्रांचेस हैं, इसके बारे में डिटेलिंग चाहूंगी आपसे। देखिए, इस बात पे को लेके भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ईसी और
जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इनमें बेसिक किसको जाना चाहिए, तो मैं थोड़ा माइन्यूटली इस बात को बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकल्स में बेसिकली आपको कंपोनेंट पार्ट, किसी छोटे कंप्यूटर पार्ट पे जाना है जहां डेप्थ में जाना है, लेकिन उसके बाद में जो असेंबली करने वाला पार्ट है, जो कंपोनेंट को असेंबल करने वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरह का है, जिसमें डिजाइनिंग भी इन्वॉल्व है और जिसमें इमेजिनेशन भी इन्वॉल्व है। तो वो वाला पार्ट जो है, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बहुत माइन्यूट यानी कंपोनेंट बनाना चाहते हैं या कंपोनेंट्स को मिला के कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और मशीन्स बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है फिर ईसी ब्रांच जो है उसमें ज्यादा हेल्प करेगी, जिसमें आपका नेटवर्किंग भी शामिल हो जाएगा, नेटवर्किंग भी आएगा। सो मैटर है कि आप डेप्थ में जाना चाहते हैं या ओवरऑल आप असेंबली में जाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये माइन्यूट सा फर्क हमें समझना होगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल को लेके, मोस्ट ऑफ द लोग उसे सेम समझते हैं। तो ये फर्क समझना होगा अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। तो इसके अलावा हमने मैकेनिकल, सिविल, इस अलग अलग ब्रांच का भी जिक्र किया था, इनको कैसे चुने और अपनी क्वालिटीज को पहले कैसे पहचान लें। अब देखिए, कुछ बच्चे जो है वो डेप्थ में तो नहीं जाते, पर उनमें क्रिएशन बहुत होता है, वो डिजाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं। सो इन केस अगर आपको लगता है कि आप डिजाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं और आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे लगता है फिर उस केस में आपको ऑटोमोबाइल ब्रांच आपके लिए अच्छी हो सकती है, आपके लिए मैकेनिकल लाइन जो है बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आपको मशीन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, सो आपके लिए सिविल ब्रांच भी अच्छी हो सकती है और मैकेनिकल ब्रांच भी अच्छी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपका एप्टीट्यूड किस तरह का है और आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। और अगर बहुत गौर से देखते हैं तो बच्चों को ये बात समझ में आती है, अगर वो अपनी पास्ट एक्टिविटी को देखते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। चलिए, तो अब तक हमने ये समझा कि आखिर इंजीनियर बने कौन और अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कैसी क्वालिटी आप में होनी चाहिए। अब जरा ये समझ लें कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एकेडमिक्स क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जनरली जो जानते हैं, इंजीनियर होने के लिए पीसीएम बैकग्राउंड यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। क्या यही एक ऑप्शन है अगर कोई बायोलॉजी स्ट्रीम से है या कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए सुनीता जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि बायोलॉजी वाले बच्चे भी क्या इंजीनियर बन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यस, बायोलॉजी वाले बच्चे भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बायोलॉजी से इंजीनियरिंग कैसे करें, तो देयर इज फ्यू ब्रांचेस जो बायोलॉजी के बाद में भी इंजीनियरिंग का ऑप्शन देती है। इनमें सबसे पहली ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बायो वाले बच्चों को ही बायोटेक्नोलॉजी के लिए अलाउ किया जाता है। और दूसरी ब्रांच है फूड टेक्नोलॉजी, ये भी एक इमर्जिंग ब्रांच है, मुझे लगता है गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी ब्रांच है और बहुत कम कॉलेजेस में ये ब्रांचेस हैं। पर बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके लिए बहुत आसान है, बहुत इजी है। आपने ये तो सुना होगा यूजी टू पीजी, दैट इज 3+2=5। मैं आपको बताना चाहूंगा नहीं, पीजी टू पीडी, पीजी टू पीडी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टू पोस्ट डॉक्टरेट। सो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग 3 इयर्स का रिसर्च प्रोग्राम कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और पीएचडी के बाद में हम 2 ईयर पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हैं। इस दौरान हमारे पास स्कॉलरशिप के चांसेस है, स्कॉलरशिप बहुत अच्छे क्वांटम में दी जाती है। तो हम जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करके आसानी से, और दूसरे एग्जाम है जीमेट एग्जाम है, इनको भी क्वालिफाई करके हम इस तरफ जा सकते हैं। आई होप कि जिस तरीके से आपने बताया, अभी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अब सर्च करेंगे कि वाकई उनके पास ये भी ऑप्शन है, ग्रेजुएशन के बाद भी आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ये काफी अच्छा। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को मैंने देखा है, लाइक जो IITNC हो, बाद में मैनेजमेंट कोर्सेज में जाते हैं, MBA ऑप्ट करते हैं, तो क्या इंजीनियरिंग, अगर हमने IIT से या कहीं और से इंजीनियरिंग कर ली, क्या इसके बाद हम सिर्फ MBA को ऑप्ट कर सकते हैं या वहां पे भी डिसीजन हमें लेना होता है कि हाँ मेरे पास ये भी मौका है, ये भी मौका है, अब मेरा डिसीजन है मैं कहाँ जाऊँ? ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बच्चे जो है बीटेक के बाद MBA करें या MTech करें या सीधा अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर दे, तो मुझे लगता है कि MBA जो है वो एक उनके लिए अच्छा विकल्प है जो इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इंजीनियरिंग में बेसिकली एक कमी रह जाती है इंजीनियर्स के अंदर, कि वो उसे अप्लाइड साइंस में, अप्लाइड मैनर में, मैनेजरियल स्किल की कमी के कारण तो सीख लेते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंडस्ट्री जो उनके पास चाहिए वो MBA के थ्रू प्रोवाइड हो सकता है। यस यस, तो जो बच्चे कॉर्पोरेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि बीटेक के बाद
बाद एमबीए करें, मैनेजरियल स्किल डेवलप करें और एचआर मार्केटिंग को भी समझे और उसके बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना करियर बनाए। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम कोर इंजीनियरिंग और टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन भी पढ़ना चाहते हैं और आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है फिर उस केस में एमबीए की जगह जो बेटर ऑप्शन है वो एमटेक है। बिल्कुल, तो आज हमने जितनी जानकारी दी आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बियानी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज जितनी जानकारी आपको मिली है इंजीनियरिंग के बारे में, ये भी साफ हो गया होगा आपके मन में कि आखिर इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं तो आपके अंदर क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए और कौन सा ब्रांच आप प्रेफर करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं बातों को लेकर होता है। और इसके साथ ही बायोलॉजी बैकग्राउंड और जो ग्रेजुएट हैं उन्हें भी ये जानकारी मिल गई कि आगे अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, कैसे इसे ऑप्ट करें। इन जानकारियों को और खंगालें और अपने करियर को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। करियर मंत्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।